क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर 4 इसके एक पैराग्राफ कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आप लोगों को मैंने कल बताया था रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एनिमल्स ऑफ द सेम काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसा एनिमल्स जो एनिमल्स देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे डॉग, कैट, डॉग अपने ही जैसे क्या करता है, पपीज देता है। कैट, किटन, जो काउस होते हैं वह देती है ना, क्लैट मतलब बछड़ा बछिया कुछ भी देती है, ठीक है। तो अपने ही जैसा सेम काइंड्स को जो पैदा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होंगे वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे सेम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स को। तो बर्ड्स रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वे, दे ले एग्स एंड आफ्टर सम डेज द यंग वंस कम आउट ऑफ द एग। बर्ड्स जो होते हैं बर्ड्स वह बहुत डिफरेंट वे मतलब डिफरेंट टाइप से मतलब मार्ग से वह क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनके वे अंडे जो देते हैं और 2 दिनों के बाद जो यंग वंस जो होते हैं वह उनसे क्या होते हैं, बाहर आते हैं। बर्ड जो होते हैं वो क्या देते हैं, एग्स देते हैं, ना कि अपने जैसे सेम बर्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, एनिमल जो होंगे वह क्या करते हैं, अपने जैसे सेम काइंड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बट जो बर्ड्स होते हैं वह क्या करते हैं, एग्स को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स फर्स्ट बिल्ड देयर नेस्ट एंड देन दे ले एग्स इन द डैम। द फादर एंड द मदर बर्ड सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। मतलब जो बर्ड्स होते हैं वह क्या करते हैं, वे सबसे पहले क्या करते हैं, अंडे देते हैं और कुछ दिनों के बाद जो अंडे से क्या होते हैं, यंग वंस में छोटे बर्ड बाहर निकलते हैं, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं वह उस अंडे से बाहर निकलते हैं। बर्ड्स जो होते हैं वह सबसे पहले क्या करते हैं, अपना घोंसला को तैयार करते हैं। अंडे देने से पहले क्या करते हैं, अपने घोंसले को वह तैयार करते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, वह अंडे को देते हैं। द फादर एंड द मदर बर्ड सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। पिता, फादर मींस क्या होता है, फादर मींस होता है पिता, मदर मींस माता। जो यंग वंस के फादर बर्ड या मदर बर्ड जो होते हैं ना, जहाँ वह अंडे देते हैं तो उसको वह क्या करते हैं, गर्भ वहाँ बैठते हैं, वह टर्न बाय टर्न क्या करते हैं, बैठते हैं और जो अंडे होते हैं वो क्या करते हैं, गर्भ करते हैं। उस पर क्यों बैठते हैं, क्योंकि जहाँ वह अंडे देते हैं तो वह स्पेस क्या होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। तो वह उस पर उन अंडों पर बैठते हैं जिससे वह अंडे क्या होते हैं, गर्म रहते हैं। दिस हीट इज नेसेसरी फॉर द यंग वंस टू ग्रो इनसाइड द एग। यह गर्मी जो होती है अंडों के अंदर जो यंग वंस ग्रो कर रहे हैं उनके लिए क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। इन अबाउट ए फोर्टनाइट द एग्स हैच एंड द यंग बर्ड्स कम आउट। लगभग कुछ समय के बाद जब वह अंडे दे देते हैं तो जैसे वह अंडे देते हैं उसमें से बर्ड बाहर नहीं निकलते। कुछ समय जब टर्न बाय टर्न फादर बर्ड और मदर बर्ड उसको क्या करती हैं, गर्म करके रखती हैं, बहुत टाइम के बाद उनमें से क्या होते हैं, यंग वंस क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। दे डू नॉट हैव फुली डेवलप्ड बॉडीज। दे मतलब जिस समय वह बर्ड्स बाहर निकलते हैं यंग वंस, वह उस समय पूरी तरह से क्या, डेवलपमेंट नहीं होते, वह पूरी तरह से वह बहुत छोटे होते हैं। तो इट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द पेरेंट बर्ड्स टेक ग्रेट केयर ऑफ देम एंड फीड देम। इस समय क्या करते हैं, इस समय के दौरान जो फादर बर्ड और मदर बर्ड होते हैं वह अपने जो स्मॉल यंग बर्ड्स होते हैं ना,
पैदा नहीं होते हैं तुरंत उसकी क्या करते हैं केयर मतलब उनकी देख रेख बहुत अच्छी तरह से करते हैं और उन्हें क्या करते हैं फीड देम उन्हें खाना खिलाते हैं। सोन द यंग वंस ओपन देयर आईज, कुछ समय के बाद जो यंग वंस होते हैं क्या करते हैं अपने आईज को ओपन करते हैं खोलते हैं। जस्ट जैसे ही वह अंडे से बाहर निकलते हैं वह ग्रोथ नहीं करते, उनका डेवलपमेंट नहीं होते, ना ही वह क्या करते हैं आईज को अपने ओपन करते हैं। उस समय के बाद वह क्या करते हैं अपने आईज को ओपन करते हैं। फैथर्स ऑल्सो ग्रो, पंख जो होते हैं वह क्या होते हैं पर डे क्या होते हैं ग्रो करते हैं। द मदर बर्ड टीच देम टू फ्लाई एंड टू गेट देयर फूड, जो मदर बर्ड होती है वह उन्हें क्या करती है सिखाती है टीच करती है, किस लिए उड़ने के लिए और अपना दाना को चुनने के लिए उन्हें क्या करती है टीच करती है सिखाती है। Now the young ones can take care of themselves. अब कुछ समय के बाद जो यंग वंस होते हैं वह अपना themselves मतलब खुद का केयर करना सीख जाते हैं। Lizard, snakes, turtle and frog also lay eggs. ये सभी क्या होते हैं हमेशा क्या देते हैं अंडे देते हैं। They do not sit on the eggs. ये क्या करते हैं ये सभी अंडों पर बैठते नहीं हैं मतलब बैठकर उन्हें गर्मी नहीं देते। बट द एग हैच बाय द वार्म ऑफ द सन, ये इन सभी जैसे लिजार्ड स्नेक टर्टल एंड फ्रॉग इन सभी के अंडे किससे वार्म लेते हैं मतलब किससे गर्मी लेते हैं सनलाइट से। ठीक है तो आप लोग इतना पढ़िए समझिए और आप लोगों को जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछिए। मैंने यहाँ कुछ वर्ड भी लिखे हैं आप लोग इसे देखिए नोट कर लीजिएगा कॉपी में यदि ना मिले तो और इसे याद करिएगा। ओके बाकी का नेक्स्ट टॉपिक।